अब हम बात करेंगे HTML टेबल। टेबल क्या होता है? ये रोज़ और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो हमारे पास टेबल का एक टैग है जिसके अंदर रो होगी और उसके बाद हमारे पास टेबल का एक हेडर होगा। देन वी हैव द कॉलम्स जिसके अंदर डाटा होगा। हेडर के अंदर आपका टाइटल आ जाएगा, कॉलम का नाम आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास क्या है, टेबल डाटा है। तो अगर हम एक टेबल की बात करें तो क्या होगा उसके अंदर, एक टेबल रोज एंड डाटा, या एक टेबल की हेडिंग होती है जिसको हम ऊपर एट्रीब्यूट भी कहते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल का टैग है। टेबल के टैग के अंदर मैं कहता हूँ जी टेबल रो का टैग है। हर टेबल के अंदर एक रो होगी और रो के अंदर आपके पास या तो टेबल की हेडिंग होती है या आपके पास टेबल का डाटा होता है। ये आपके पास सिर्फ दो चीज़ें टेबल के अंदर अवेलेबल होती हैं, या टेबल का हेडर होता है या टेबल का डाटा होता है। सो अब हम इनको देखते हैं। मैं कहता हूँ जी टेबल हेडर, टेबल हेडर मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, टेबल हेडर लास्ट नेम, टेबल हेडर। तो हम ये कहते हैं जी एज कह देते हैं। अगर मैं इसको सिर्फ दिखाऊँ आपको रिफ्रेश करके, तो आप देखेंगे ये आपका एक टेबल है जिसके वो अभी आपको टेबल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसका बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होता है। तो आप यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट है बॉर्डर, इसको आप वन कर दें तो अब आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ टेबल, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर आपको डाटा आएगा, फर्दर रोज आएंगी। ये पहली रो इसकी आपने लगाई है टेबल रो, आपकी रोज इस तरह बढ़ती जाएंगी। टेबल रो इसमें कहता हूँ मैं कोई भी, इसके अंदर हम टेबल का नेम रख सकते हैं। मैं कहता हूँ जी अली, टेबल रो, सॉरी टेबल रो में टेबल डाटा आना है, टेबल रो, और अब आपका टेबल डाटा है अली। फर्स्ट कॉलम में अली, फिर सेकंड कॉलम में इमरान, थर्ड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में हम इसकी एज कह देते हैं फॉर एग्जांपल 40। तो एक रो कंप्लीट हुई है। फिर दूसरी रो पे हम लिखते हैं इसको टेबल डाटा। टेबल डाटा में मैं कहता हूँ जी आमिर, टेबल डाटा अली, थर्ड कॉलम में टेबल डाटा हम कह देते हैं जी 34। तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देख लें आपका टेबल ये बन चुका है, ठीक है। दिस इज़ योर HTML टेबल। तो अब आप जितनी मर्ज़ी रोज बढ़ा सकते हैं इसके अंदर और आप इसको बॉर्डर ज़ीरो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, टेबल में टेबल रो, फिर आप कह सकते हैं जी टेबल डाटा। अब इसके अंदर और भी ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कि मैं अगर आप इस तरह का टेबल बनाना चाहें कि आपका नेम आएगा, उसके बाद टेलीफोन, आपके एक से ज़्यादा टेलीफोन नंबर हैं, तो आप ये चीज़ जो है ऊपर एक दो कॉलम है, नीचे तीन कॉलम नज़र आ रहे हैं। तो असल में ये क्या हो रहा है, जो ये वाला कॉलम है ये स्पैन किए हुआ है दो कॉलम के ऊपर, यानी जो आपका फर्स्ट कॉलम है टू कॉलम पे स्पैन है, तो हम इसे कहते हैं कॉलम स्पैन। तो ये देखिए कॉलम स्पैन है। जैसे मैं अगर मैं ये यहाँ कहता हूँ कि जी आपका एज है, टेबल हेडर, और मैं कहता हूँ जी फ़ोन, फ़ोन एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सो ये कॉलम जो है दो, हम कहते हैं जी फ़ोन अगर फॉर एग्जांपल हो सकते हैं, तो हम कहेंगे जी ये जो कॉलम है ये दो कॉलम पे स्पैन है, तो हम इसमें कहते हैं कॉलम स्पैन टू। तो यहाँ पे दो कॉलम पे ये होगा, तीन पे ये, टोटल रोज के अंदर पांच कॉलम्स आएंगे, थ्री दिस वन एंड देन दो स्पैन के कॉलम। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं टेबल डाटा 0321 दिस 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 नंबर, फिर मैं कहता हूँ जी टेबल डाटा 0345 दिस दिस नंबर, ठीक है। इसी तरह हम इसका नंबर लेके आते हैं टेबल डाटा 0321 दिस 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 दिस, एंड देन आई से टेबल डाटा 03 दिस 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 दिस। सो अगर मैं इसको अब रिफ्रेश करूं तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपका जो है ये वाला जो कॉलम है ये स्पैन हुआ है आपके एक से ज़्यादा कॉलम के ऊपर, दिस इज कॉल्ड कॉलम स्पैनिंग। इसी तरह हमारे पास रो स्पैनिंग भी हो सकती है।
आप एक बंदे का, एक सिर्फ एक बंदे का रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं, ये तो आप रिकॉर्ड इस तरह नजर आ रहे हैं ना। तो मैं अगर इसको दूसरे वे से देखूं कि मैं कहता हूं जी मेरे पास मुझे सिर्फ अली इमरान जो फर्स्ट एक बंदे का रिकॉर्ड है वो नजर आए, तो फिर आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा आपका, जैसे ये अगर आप देखें यहाँ पे एग्जांपल होगी दिस वन, नेम एंड फोन नंबर, तो ये देख सकते हैं आप टेबल, टेबल रो में नेम है, नेम के आगे बिल गेट्स आ गया और टेलीफोन के आगे ये दो उसके नेम आ गए। तो अब रो स्पैन हुई है, ये जो रो है रो नंबर टू, ये दो रोज के ऊपर स्पैन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, टेबल स्टाइल इज इक्वल्स टू विथ 100% आप करते हैं। हाँ ये भी आपके पास ऑप्शन है कि विथ आप फुल टेबल की विथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका बजाय इसके कि ये इतनी एरिया में नज़र आएगा, फुल पेज के ऊपर नज़र आएगा। तो अच्छा हम ये कहते हैं पहली रो में नेम लिखा है और उसके बाद ये लिखा है, ओके फाइन। उसके बाद दूसरी रो के ऊपर टेबल जो हेडर है हमारा वो लिखा आ जाए, ये टेलीफोन, और जो डाटा है यानी उसके बाद हम ये कहते हैं कि जी ये हमारा ये सॉरी ये सेकंड रो में ये आ जाएगा और हम उसके बाद ये दूसरा नंबर दे रहे हैं। तो हमने ये नंबर को बताया कि जी आप दो रो के ऊपर स्पैन होंगे, ये वाली ये चीज़ आपकी दो रो के ऊपर स्पैन होगी। तो इसको अब हम देखते हैं एक बार, मैं अगर यहाँ पे ये चीज़ बनाना चाहूँ, ये कुछ टैग मुझे थोड़ा मिसिंग लग रहे हैं, मैं ये चीज़ बनाते हैं। तो अब हम आते हैं टेबल, टेबल रो में हम एक एक, बल्कि मैं अब कमेंट करता हूँ इस कोड को, या हम नीचे एक नया नया कोड नया टेबल बना लेते हैं, टेबल, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ जी बॉर्डर वन, उसके बाद हम बात करते हैं जी टेबल रो, टेबल रो और टेबल डाटा। तो हम कहते हैं जी एक इसके अंदर बी का टैग लगा दें, या हमारे पास एम्फसाइज का टैग, जो भी आप इसमें टैग लगाना चाहें, उसको हम कहते हैं जी नेम, और नेम के आगे अब हम टेबल डाटा शो करते हैं, अली इमरान इसका नाम है। दूसरी रो पे अगर आप आए, टेबल रो, और टेबल रो में हम कहते हैं टेबल डाटा रो स्पैन टू, कि ये दो रो पे स्पैन करेगा, और यहां पे हम लिखते हैं टेलीफोन, ये इसको हमने टेलीफोन लिख दिया, टेबल रो, टेबल डाटा, यहां पे कुछ भी नंबर आ गया, फिर टेबल रो कोई और नंबर यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है वैसे। यस ये अब इसको आना चाहिए था हमारे पास टेबल रो स्पैनिंग के अंदर। तो ये हमारे पास इस तरह होना था कि टेबल नेम टीडी नेम आ गया उसका, फिर हमारे पास टेबल रो, इस रो में सिर्फ एक ही डाटा आना था, ओनली वन डाटा इस रो के अंदर, वन डाटा दैट इज दिस वन। और उसके बाद नेक्स्ट रो में इसके अंदर जो नेक्स्ट डाटा है वो ये आ गया, और उसके बाद फिर हम टेबल रो में एक सिंगल डाटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमने कहा जी ये रो के अंदर आपकी दो कॉलम के ऊपर स्पैन कर रही है, तो दिस इज योर स्पैन, सो ये हमारी रो स्पैनिंग होगी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे विड्थ को, बॉर्डर को वन कर दिया, स्टाइल को हमने 100% दे दिया ताकि आपको फुल पेज के ऊपर ये चीज़ नज़र आए। सो रो स्पैन आपकी एक डाटा को एक से ज़्यादा रोज़ के ऊपर स्पैन करती है, और कॉलम स्पैन जो होती है वो आपको एक कॉलम को एक से ज़्यादा कॉलम के ऊपर स्पैन करती है। इसी तरह अब हम कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप टेबल के ऊपर जहाँ पे टेबल आपका टैग है इसके बाद अगर आप कैप्शन लिख दें तो ये आपकी कैप्शन बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय लिस्ट, ये मेरी कैप्शन है, तो ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी इस टेबल के मिडल के अंदर, दिस इज कॉल्ड HTML टेबल कैप्शन। तो ये आपका HTML का बेसिक टैग है। आप ये काम कर सकते हैं, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट में एक असाइनमेंट देता हूँ HTML की, तो वो उसकी बेस के ऊपर जो हमने प्रीवियस असाइनमेंट की बात की थी, तो वो असाइनमेंट ये थी कि आपने कुछ लिंक्स बनाने हैं,
तो आप ये काम इसके अंदर भी कर सकते हैं कि लिंक आपके टॉप के ऊपर आ जाए। सो लेट्स सी समथिंग किस तरह ये काम करते हैं।